Now we are going to discuss the key factors or chief factors in evaluating retail trading area. कौन कौन से ऐसे main factors हैं जो कि हमें help करते हैं जब हम किसी भी retail trading area की evaluation कर रहे होते हैं So I will discuss with you all the points quickly one by one. सबसे पहला part, सबसे पहला factor जो हमारे सामने मौजूद है वो है population size and the characteristics. सो देर आर लॉट ऑफ पॉइंट इफ़ यू कैन सी इन दिस इन दिस स्लाइड तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके जो रिटेल ट्रेडिंग एरिया है उसका पॉपुलेशन साइज क्या है उस पर्टिकुलर एरिया का लट्से अगर आपका रिटेल ट्रेडिंग एरिया इस लट से डी एच ए सो आपको ये वैल्यूएट करना है कि डी एच ए का पॉपुलेशन साइज क्या है वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है अगर आप से कोर्स द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन डी एच ए वुड बी डिफरेंट फ्राम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन मुगलपुरा और बागवानपुरा सो so, ग्रेजुअली आपको इवेल्युएट करना है सबसे पहला पॉइंट कि टोटल पॉपुलेशन साइज क्या है और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है उस पर्टिकुलर एरिए के अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लेट से विद रिस्पेक्ट टू लेस देन फोटीन ईयर्स कितने लोग हैं फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव में कितने लोग हैं Uh, कितने ट्वेंटी सिक्स से थर्टी फाइव तक कितने लोग हैं थर्टी सिक्स से देन फोर्टी फाइव एंड देन फोर्टी फाइव एंड अबव सो एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है अच्छा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्विकली मैं इसके ऊपर एक बात छोटी सी करता हूँ नॉर्मली अगर आपका कस्टमर का एज डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो है वो ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स यंग पॉपुलेशन विच मींस वो उसकी ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द बिग रिटेल स्टोर्स और टुवर्ड्स द बिग स्टोर्स वो ज़्यादा होगी जबकि अगर आपके पास द पॉपुलेशन इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द ओल्ड एज साइज विच इज़ लेट्स से 55 प्लस के लोग तो ऑफकोर्स उनकी रिटेल ओरिएंटेशन उस तरीके से को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी सो इंपॉर्टेंट बात है एज डिस्ट्रीब्यूशन को एवेल्यूएट करना इसी तरीके से आप देखते हैं एजुकेशन लेवल क्या है वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहां पर कितने परसेंटेज ऑफ रेजिडेंट्स हैं जिनके घर अपने हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि रेंटल हाउसेस के ऊपर रहते हैं वहाँ पर मौजूद लोगों की डिस्पोजेबल इनकम क्या है पर कैपिटल इनकम क्या है वहाँ पर मौजूद लोगों की उनकी ऑक्यूपेशन क्या है लेट्स से कितने लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कितने जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर हैं प्राइवेट के अंदर भी कितने लोग मल्टानेशनल के साथ एसोसिएटेड हैं कितने लोग ऐसे हैं जो लोकल कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं कितने लोग ऐसे हैं लोकल एट से बैंकर्स हैं कितने लोग ऐसे हैं जो कि लॉयर्स हैं सो so, हर पर्सपेक्टिव में आपको इसको इवेल्यूट करना है और वाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स जो कि पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव में क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा लेट से बर्थ रेट इस एरिया का बहुत ज्यादा है या इस एरिया का डेथ रेट बहुत ज्यादा है सो तो आपको इवेल्युएट करने हैं और उनसे इमर्जिंग होने वाले ट्रेंड सो so, पहला की फैक्टर इज द पॉपुलेशन साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम आते हैं दूसरे की फैक्टर की तरफ जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ये एक्चुअली बात हो रही है उस परस्पेक्टिव में जब आप रिटेल ट्रेडिंग एरिया खोलने जा रहे हैं आपने एनालिसिस करने जा रहे हैं कोई रिटेल स्टोर ओपन करने जा रहे हैं तो आपने देखना है कि क्या उस रिटेल ट्रेडिंग एरिए के अंदर लेबर मौजूद है बेशक वो मैनेजमेंट स्टाफ है बेशक वो क्लैरिकल स्टाफ है बेशक वो ऑपरेशनल स्टाफ है तो किसी भी तरह का मैनेजमेंट ट्रेनिंग है कोई भी है सो so आपको इवेल्यूएट करना है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या मुझे ह्यूमन रिसोर्स ईज़ीली अवेलेबल होगा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज ये कहता हूँ कि मैंने मिंगोरा के अंदर या सवाद के अंदर कोई रिटेल स्टोर ओपन करना है सो so मुझे फ़ौन ये इवेल्यूट करना होगा एट द सेम टाइम जब मैं रिटेल ट्रेडिंग एरिया एनालिस कर रहा हूँ तो मुझे देखना होगा कि वहाँ पर क्या मुझे मैनेजमेंट स्टाफ इजीली मिल जाएगा क्या मुझे वहाँ पर ट्रेनिंग स्टाफ मिल जाएगा क्या मुझे वहाँ पर कैशियर्स मिल जाएंगे क्या मुझे वहाँ पर क्लैरिकल स्टाफ अदर स्टोर स्टाफ मिल जाएगा अगर इफ़ इट इज इजीली अवेलेबल तो देन इसका मतलब है कि इट इज़ ए पॉजिटिव साइन ऑन द रिटेल ट्रेडिंग एरिया तीसरा की फैक्टर हमारे पास है जो कि है क्लोजनेस टू सोर्स ऑफ सप्लाई अच्छा मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब आप किसी रिटेल स्टोर को ओपन करते हैं सो आपको ये लाजमी ऑब्जर्व करना है कि जो सोर्स ऑफ सप्लाई है जो सप्लाई चेन है वो क्या क्लोज है मेरे रिटेल स्टोर से या इट वुड टेक लेट से फाइव 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 आवर्स हो सेवन आवर्स हो टेन आवर्स और लेट से हंड्रेड किलोमीटर और टू हंड्रेड किलोमीटर्स अवे मीन्स डिस्टेंस ज़्यादा है या डिस्टेंस करीब है जितना क्लोज होगा आपके रिटेल नेटवर्क से आपका सोर्स ऑफ सप्लाई उतनी ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बेहतर होगी सो so, ये किस पर्सपेक्टिव में है आपको डिलीवरी कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में है जितना क्लोज होगा उतनी डिलीवरी कॉस्ट कम होगी जितना दूर होगा उतनी डिलीवरी कॉस्ट हाई होगी अगेन टाइम वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको रोज सुबह चार बजे फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स मीट ये सारी प्रोडक्ट अपने स्टोर के अंदर चाहिए तो ऑफ़कोर्स अगर वो उसने 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर से ट्रैवल करके आना है तो उसको सारी रात वो ट्रैवल करना पड़ेगा तो ग्रेजुअली कोई बहुत अच्छा सिंक नहीं बनेगा तो आपको देखना है मैं उस एरिए के अंदर स्टोर खोलूँ ओपन करूँ जहाँ पर मुझे ईज़ीली सोर्स ऑफ सप्लाई भी अवेलेबल हो जिस एरिया के अंदर आप बात कर रहे हैं वहाँ पर नंबर ऑफ मैनुफैक्चरर्स कितने हैं कितने लोग होलसेलर्स हैं अदर रिटेलर्स कितने हैं वहां पर मौजूद प्रोडक्ट लाइन्स कौन कौन सी हैं और रिलायबिलिटी क्या है ऑफ दी प्रोडक्ट लाइन्स जो कि उस एरिया के अंदर मौजूद हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर विच इज इकोनॉमिक बेस इकोनॉमिक बेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको देखना है उस ट्रेडिंग एरिया के अंदर जहां पे यू आर गोइंग टू ओपन ए स्टोर जिसके लिए आप इवेल्यूएशन कर रहे हैं कि विट इज दी डोमिनेंट इंडस्ट्री इन दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया वहाँ पर एक्सटेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है कितना ज़्यादा यू कैन देर इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस उस एरिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन कितनी हैं इस तरीके से अगर कोई अपना रिटेल ट्रेडिंग एरिया डिफाइन डिफाइनल से वो टारगेट करा है बहरिया टाउन का एरिया इन लाहौर और कराची और इस्लामाबाद सो क्या उस एरिए के अंदर ग्रोथ प्रोजेक्शन हैं पॉपुलेशन इंक्रीज होने के चांसेस हैं लोगों के मज़ीद शिफ्ट होने के चांसेस हैं ऑफ कोर्स दी आंसर इज़ यस सो इस केसेस के अंदर आपको सूट करता है कि यस यहां पर जो इन्हीबिटेंट्स हैं वो ग्रेजुअली विल इंक्रीज तो इससे मेरे लिए वुड बी बेनिफिशियल फिर आपको ये देखना है कि क्या फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एंड सीजनल फ्लक्चुएशंस क्या क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट या अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज क्या हैं ईजीली अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया के अंदर अगर इजिल अवेलेबल हैं तो विच मीन्स इट इट विल गो एज ए पॉजिटिव मार्क फॉर दैट रिटेल ट्रेडिंग एरिया अदरवाइज इट विल गो नेगेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर रिटेल ट्रेडिंग एरिया नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है कम्पैटिटिव सिचुएशन सो आपको क्या इवेल्यूट करना है आपको देखना है कि जिस एरिए के अंदर आप स्टोर सेलेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर कंपेटिटिव सिचुएशन क्या है कितने एग्जिस्टिंग कंपटीशन में लोग मौजूद हैं किस साइज़ में मौजूद हैं क्या वो एक स्मॉल स्टोर है क्या वो एक कन्वीनियंट स्टोर है क्या वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है वो एक सुपर है तो आपको और कितनी तादाद में मौजूद हैं आपको एनालिसिस करना है फिर आपने उन कंपेटिटर्स का शॉर्ट एनालिसिस करना है उनकी स्ट्रेंथ्स उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनकी वीकनेसेस थ्रेट्स वो तमाम बातें आपने इवेल्यूएट करना है फिर उस पर्टिकुलर एरिए का शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में आउटलुक आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम दी कंपेटिटर परस्पेक्टिव इस पर्टिकुलर एरिए में क्या लॉन्ग रन के अंदर कोई नए कंपेटिटर्स इमर्ज हो सकते हैं आ सकते हैं और शॉर्ट रन के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस पर्टिकुलर रिटेल एरिया के अंदर ट्रेडिंग एरिया के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं एंड देन लेवल ऑफ सेचुरेशन आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर कंपेटिटिव सिनेरियो में कितने टाइम के ऊपर कितने टाइम के बाद सेचुरेशन लेवल आ जाएगा सो so, आपको वो आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको हेल्प करेगा अपने रिटेल ट्रेडिंग एरिया को सेलेक्ट करने में देन हमारे पास है जो नेक्स्ट की फैक्टर चीफ फैक्टर जो है वह अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर लोकेशंस आपको फ़ौरन जो बात ऑब्जर्व करनी है जो इवेल्यूएट करनी है वो देखना है कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ स्टोर लोकेशन कितने नंबर हैं और कितनी टाइप से मेरे पास स्टोर लोकेशन मौजूद हैं एक्सेस टू द स्टोर क्या है क्या वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ईजीली अवेलेबल है या ईज़िली अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग एरिया में क्या मुझे जगह ओन करनी पड़ेगी या मुझे जगह लीज़ के ऊपर रेंट के ऊपर मिल जाएगी और किस तरह के रेंट के ऊपर किस तरह के लीज़ के ऊपर अपॉर्चुनिटी उपर, उपर है मिल सकती है फिर वहाँ पर क्या किसी जोन के रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये कहते हैं कि आई एम गोइंग टू डू दिस फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया तो मुझे देखना है कि वहाँ पर कोई जोन रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है और वॉट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड टू इट नेक्स्ट क्विकली मैं आता हूँ लास्ट की फैक्टर की तरफ विच इज़ द रेगुलेशन्स आपको रिटेल ट्रेडिंग एरिया की वैल्यूएशन करते वक्त यू हैव टू कंसिडर ऑल द रेगुलेशन्स जो कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर है लेट्स से क्या टैक्सेस हैं मिनिमम वेज क्या है लाइसेंसिस क्या है ऑपरेटिंग ऑपरेशंस कैसे हैं हाउ द जोनिंग विल वर्क सो आपको रेगुलेटरी इन्वामेंट को भी ऑब्जर्व करना है जिस तरीके से अगर इंडिया में किसी भी स्टेट के अंदर देर इज अ डिफरेंट रेगुलेशन एंड देन देर इज अनदर स्टेट और दिस अ डिफरेंट रेगुलेशन तो हर स्टेट का डिफरेंट रेगुलेशन है चाइना के अंदर भी इट इज़ लाइक दिस तो आपको बाय रिटेल ट्रेडिंग एरिया आपको इवेल्यूएट करना है कि वहां पर कौन कौन से रेगुलेशन है तो मैंने आपके सामने वो तमाम की फैक्टर्स रखे हैं जो कि हेल्प करते हैं इन वेल्यूएटिंग द रिटेल ट्रेडिंग एरिया और आपको एक अच्छी सिलेक्शन ऑफ स्टोर करने में मदद देते हैं